वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। 2009 में ड्रीम्स मॉल विवादों में आया। चार साल पहले एनसीएलटी ने एक प्रशासक नियुक्त किया था। इस मॉल के टॉप फ्लोर पर कोविड अस्पताल है। अस्पताल को पिछले साल ही कंडीशनल ओसी दिया गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। ये ताजा तस्वीर उस मॉल की जहां पर यह अस्पताल स्थित था। धुएं का गुबार ऊपर तक देखा गया क्योंकि काफी देर बीत चुकी थी जब आग पर काबू पाया गया। लगभग 11:30 बजे रात में यह आग लगी और सुबह तक मशक्कत जारी थी। फायर के जो लोग थे वहां पर, फायर ब्रिगेड की तैनाती काफी संख्या में की गई और इसके बावजूद इस आग पर काबू काफी घंटों बाद पाया जा सका। मॉल में दुकानें हैं, होटल हैं और अस्पताल भी मौजूद है। उसकी एनओसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों